नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म मूली के पराठे। इसके लिए मैंने मूली को छील के धो दिया है और कद्दूकस करके। इस तरह हम कद्दूकस करेंगे सारे मूलियों को बारीक बारीक। अब उसमें मैंने हरी मिर्ची मिला दी और ये हमने आटे में डाल दिया। मूली कद्दूकस किया हुआ, हरा मिर्ची और अजवाइन डालेंगे इसमें। इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं अगर हो तो। अजवाइन को थोड़ा मसल लेंगे ताकि इसमें खुशबू आ जाए। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसे भर के भी बना सकते हैं और आटे में भी मिला के मूली का पराठे बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह हम बेल लेंगे इसे। हल्का मोटा होता है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, बराबर सभी किनारियों से बोल बिल्कुल गोल। इस तरह हम तेल लगाओ चाहे रिफाइन लगाओ, जो भी मनपसंद हो लगा सकते हैं। बढ़िया से सेक लेंगे दोनों तरफ। इसी तरह हम पका लेंगे पराठों को। इस तरह हमारा गर्मा गर्म पराठे तैयार हो गए।